हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ जो कि ग्रीन बुक से रिलेटेड है कि अगर आप पुर्तगाल के अंदर प्रेग्नेंट है तो आप ये ग्रीन जो बुक है जो मुझे मिल गई है तो ये मैंने कैसे हासिल की है और आप इसे कैसे ले सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने ये फाइनली प्राप्त कर ली है। तो ये मैंने कैसे प्राप्त कर लिया है की है इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो जो ग्रीन बुक होती है वो आपकी ऑल ओवर प्रेगनेंसी में काम आती है। इसमें आपके जो है वो सारा बायोडाटा आपका इसमें ऐड होता है, आपका वेट कितना है, आपकी कौन सी आपको बीमारी है, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह, आप कब से प्रेग्नेंट हैं, इसमें सारी डिटेल, आपके कौन कौन से टेस्ट हो चुके हैं, कौन कौन से आपके जो है वो अल्ट्रासाउंड हो चुके हैं, एकोग्राफिया हो चुके हैं, उसकी सारी डिटेल इसके अंदर होती है। ठीक है, तो जब अगर आपके पास ये ग्रीन बुक नहीं होगी और आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है प्रेगनेंसी से रिलेटेड और आपको अर्जेंटली कोई स्कैनिंग करवानी है, ब्लड टेस्ट करवाने हैं, तो उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ते हैं जो यहाँ पर बहुत कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू योर कंट्री। ठीक है, तो अगर आपके पास ये ग्रीन कंट्री होगी, सॉरी, अगर आपके पास ये ग्रीन बुक होगी तो आप जो है आपके जो टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे, आपको कोई भी बैलेंस नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि आपको कैसे मिलती है, ठीक है, और कहाँ से मिलती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो यूज़फुल लगेगी तो आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है, पर्सनली एक्सपीरियंस, ये नहीं है कि मैं कहीं से सुनी बात को यहाँ पर बोल देती हूँ, जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है तो वो मैं आपको यहाँ पर शेयर करती हूँ। ठीक है, और शेयर करती रहूँगी अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो। तो मैंने जो ग्रीन बुक है वो मैंने कैसे हासिल किया इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं हॉस्पिटल में गई, तो जो भी आपका सेंटर सूद होता है, नियर बाय सेंटर, जो भी आपका एड्रेस, जिस एड्रेस पर आप रह रहे हैं उसी एड्रेस का सेंटर सूद होता है, आप वहाँ पर जाइए। ठीक है, और जाने से पहले आपके पास जो है SNS नंबर होना चाहिए, क्योंकि SNS नंबर के बिना वो आपको चेक नहीं करेंगे, तो SNS नंबर आपके पास होना चाहिए। तो SNS नंबर जब आपके पास होगा तो आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको अपॉइंटमेंट देंगे वो, तो आप डॉक्टर से मिलोगे, तो डॉक्टर आपका जो है आपसे पूछेंगे कि आपसे प्रूफ लेंगे कि आपको कैसे, कि आप बताइए कि आप जो है प्रेग्नेंट के लिए कोई प्रूफ आप बता दीजिए, या फिर वो खुद से चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास जो है मैंने प्रेगनेंसी किट से चेक किया हुआ, तो मैंने उनको प्रूफ दिखाया, तो उन्होंने मुझे जो है वो एक प्रिंट आउट निकाल के देते हैं, सारा बायोडाटा फर्स्ट टू लेके एंड तक का आपका बायोडाटा, जिसमें ये मेंशन होता है कि कौन सा टेस्ट कब होगा, कितने महीने में होगा, कौन सा अल्ट्रासाउंड कब होगा और किस मंथ में होगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल उस स्लिप के अंदर लिखी हुई होती है। ठीक है, एक एक्सेल की शीट होती है, उसमें सारा बायोडाटा लिख के वो दे देते हैं, आपसे सारे सारी डिटेल पूछते हैं कि आप पुर्तगाल के अंदर कब आए, कैसे आए, कब आप पुर्तगाल के अंदर आए हैं और आप कब से प्रेग्नेंट हुए हैं। तो ये सारी डिटेल जो एक प्रेग्नेंट लेडी से पूछनी होती है वो सारी डिटेल पूछ लेते हैं और वो आपको एक डिटेल निकल के दे देते हैं, और आपको जो है मेडिसिन भी आपको दे देते हैं, जो फोलिक एसिड और आयरन कैल्शियम की जो खानी होती है प्रेगनेंसी में, वो सारी आपको दे देते हैं। ठीक है, तो जो प्रेगनेंसी की जो मेडिसिंस होती हैं वो आपको एक स्लिप बना कर दे देते हैं, बट उसके चार्जेस लगते हैं, क्योंकि मेडिसिंस किसी फार्मेसी से लेकर जाने से लेकर आनी होती हैं, तो उसके वो विदाउट ऑफ कॉस्ट नहीं होते, उसके चार्जेस लगते हैं। इसके अलावा जो भी आपके ब्लड टेस्ट होंगे, एकोग्राफिया होगी, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, तो वो आपके सारे फ्री होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं फर्स्ट मंथ में डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ लिख के दी, मैंने दवाइयाँ ली और उन्होंने कहा कि आपके जो टेस्ट है वो इस मंथ में होंगे, तो आप इस किसी भी क्लिनिक का नाम पूछ सकते हैं उनसे कि इस क्लिनिक में जाकर मैं अल्ट्रासाउंड करवा सकती हूँ, तो वो आपको क्लिनिक का नाम भी बता देते हैं कि ब्लड टेस्ट कहाँ से करवाना है आपको और अल्ट्रासाउंड कहाँ से करवाना है, तो आप वहाँ पर जाके अपना जो है अल्ट्रासाउंड और अपना जो है ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो
तो ऐसे ही मुझे भी जो है स्टार्टिंग में ग्रीन बुक नहीं मिली थी, मुझे भी बहुत कंफ्यूजन था कि मुझे बुक नहीं मिली है और अगर मुझे कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाते तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बैलेंस पे करना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए। तो फिर मुझे, क्योंकि YouTube पर भी मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, किसी ने ये नहीं बताया हुआ था कि ये जो वीडियो है वो, ये जो आपकी ग्रीन बुक है वो 4 मंथ में आपको इशू होती है। तो मैं जिस भी हॉस्पिटल में जाती तो मैं यही आशा करती थी कि शायद मुझे आज ग्रीन बुक मिल जाए, तो नहीं मिली। बट जब मुझे 4 मंथ हुआ तो ऑटोमेटिक हॉस्पिटल वालों ने मुझे जो है ग्रीन बुक इशू कर दी। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो ये ग्रीन बुक होती है आपकी, ये जो ग्रीन बुक है ये आपको 4 मंथ में इशू होती है, जब आपके 4 मंथ स्टार्ट होता है, या फिर स्टार्टिंग में दे देते हैं या फिर एंड में वो आपको जो है आपकी ग्रीन बुक दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। 3 मंथ तक वो कोई भी बुक नहीं देते, क्योंकि वो 3 मंथ तक वेट करते हैं, क्योंकि कई जो है केस बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है, मिसकैरीज होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए वो जो ग्रीन बुक है वो 4 मंथ के स्टार्टिंग में या लास्ट में आपको दे देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही मैं कहना चाहूँगी कि जो ग्रीन बुक होती है इसके बहुत बेनिफिट होते हैं, इसी के यही आपकी जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपकी जो है यही ग्रीन बुक काम आती है। और आई होप मे बी इन फ्यूचर भी यह काम आ सकती है, तो अगर ये इन फ्यूचर ये काम आए तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक थी, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मैं एक एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अल्ट्रासाउंड करवाना चाहती हैं, तो आप 1-2 महीने पहले ही अपनी जो है अल्ट्रासाउंड की किसी भी गवर्नमेंट सेंटर में बुक करवा लीजिए, क्योंकि अगर आप एट ए टाइम, जैसे डॉक्टर ने लिख के दिया कि आपको ये अल्ट्रासाउंड करवाने हैं विद इन 1 मंथ, तो आपको डेट मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आप डॉक्टर को बोलिए कि मुझे अल्ट्रासाउंड की 2 महीने पहले की ही डेट दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप उनको जब वो स्लिप बना के देंगे 2 महीने पहले ही, तो आप किसी भी क्लिनिक में जाके अपनी जो है अल्ट्रासाउंड की डेट बुक कर सकते हैं, क्योंकि एट ए टाइम नहीं मिलते। मेरे साथ भी यही हुआ था कि डॉक्टर ने जो है 1 महीने पहले ही मुझे स्लिप बना कर दी थी, और फिर जब हम हॉस्पिटल, कहीं हॉस्पिटल में हम घूमे तो कहीं भी हमें डेट अवेलेबल नहीं हुई, तो हमें उसका पे करना पड़ा। ठीक है, तो 130 यूरो हमें पे करने पड़े थे अल्ट्रासाउंड के। तो अगर हमें 2 मंथ पहले यार मिल जाती वो स्लिप, तो हम जो है बुक करवा पाते, क्योंकि हमें अवेलेबल तो हो रही थी, बट जो डॉक्टर ने कहा था कि इस डेट के बीच बीच में आपको जो अल्ट्रासाउंड कराना, उस डेट के बीच में हमें कोई भी डेट अवेलेबल नहीं हो रही थी, तो उसके लिए हमें चार्ज देने पड़े। तो यही मैं आप, अब मेरा यही एक्सपीरियंस अब तक का रहा है कि अगर आप, क्योंकि सबको पता होता है कि अल्ट्रासाउंड तो होना ही है प्रेगनेंसी के अंदर, आप डॉक्टर को पहले ही बोल दीजिए कि आप मुझे जो भी अल्ट्रासाउंड होगा उसकी स्लिप पहले ही बना कर दे दीजिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पे करना पड़ता है, तो वो आपको बना कर दे देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।